हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं शिराज। शिराज क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? शिराज, आपको मैंने देखा सेट पे बड़े छलांगे मारते हुए और जानवरों के साथ मज़े करते हुए, मज़ा तो आ रहा होगा सेट पे। हाँ, बहुत मज़ा है और नए नए दोस्त बने हैं, है ना? दोस्त तो ये है। तो मुझे ये बताओ शिराज के समुंदर कैसा लगा कराची का? समुंदर अच्छा नहीं लगा। क्यों? पानी थोड़ा थोड़ा था। साफ था या गंदा था? साफ था। साफ था? गंदा था, गंदा था। ये कराची की निज़ाम के लिए ये पैगाम है कि शिराज आया है पहाड़ों से, इतने खूबसूरत जगह से आप आए हो, है ना जी? और वहाँ पे पहाड़ और नदियाँ और वहाँ पे जो चश्मे बहते हैं वो तो आपका घर तो बहुत खूबसूरत जगह पे है जी, है ना? तो सबसे अच्छी चीज़ घर की क्या लगती है गिलगित की? सबसे अच्छी चीज़ तो पहाड़, पहाड़ लगते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कराची की क्या लगती है? कराची के तो पार्क। पार्क, वाह। और ये जो आपके तीन दोस्त साथ बैठे हैं, इनमें से ये बताओ कि सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ हुई है? उमर के साथ जी। मैंने तो सुना है उमर बहुत शरारती है। उमर तो छोटे नहीं, शरारत कर जाता। सबसे ज्यादा आप ये बताओ शिराज कि आपके घर में पेट्स हैं, कोई एनिमल्स हैं घर पे? है। कौन से? मुर्गी। मुर्गी? मुर्गियाँ चोंच मारती है कि नहीं मारती? मुर्गा। अच्छा ये बताओ कि जब रोजा खुलता है तो सबसे पहले क्या खाने को दिल चाहता है? मैं तो रोजा नहीं रखता। ओहो। चलो अफ्तारी तो करते होगे ना, फिर भी रोजा बंदा ना भी रखे तो अफ्तारी तो करता है ना? तो अफ्तारी में सबसे फेवरेट क्या लगता है? चिप्स। पकोड़े बनते हैं घर पे? पकोड़े बनते हैं। थैंक यू, आपने वक्त निकाला अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत प्यारे हो आप। और आपके बड़े हो के आपने क्या बनना है? बड़े होके फौज बनना। फौजी बनना है, माशाल्लाह। पायलट। पायलट, फाइटर जेट। यूनिफॉर्म पहनोगे? Guys, this was Shiraz, adorable children। और ये आप देख रहे हैं ये प्यारे प्यारे शरीफ से बच्चे तीन चार बैठे हुए हैं। हम हैं जी ARY के सेट पे और मेरे पास मुल्क के तीन नामवर शख्सियात हैं। इनको देखें जी, ये हैं, आप खुद से अपना नाम बताते जाएं। ये मेरा नाम अबू बकर है। ये हमारे सबसे बड़े स्टार हैं जिनको कोई तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन बता दें चले, अहमद शाह। ओहो। और ये बहुत नन्हे मुन्ने प्यारे से एक इनके भाई हैं जिनका नाम है उमर शाह। बच्चों जी, रमज़ान की ट्रांसमिशन चल रही है जी, हम आपको देख रहे हैं, बहुत प्यार आ रहा है आप सब पे। और अभी हम सेट से आए हैं और वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत प्यारे प्यारे जानवर भी हैं जी। तो आप लोगों के फेवरेट इनमें से कोई है पेट्स वगैरह? कौन सा फेवरेट है? रैबिट जी। तो रैबिट तो कई थे, बड़ा वाला कि छोटा वाला? बेबीज। मुझे भी वो इस्माल बनी से अच्छे लग रहे। मुझे भी बनी। मेरा दिल चाह रहा है मैं पूछूं उमर को कि बनी के अलावा भी मुझे लगता है कोई सेट पे और भी जानवर क्यूट लगता है ना? एक बर्ड था ना, रोना आ रहा था इसको। घर पे हैं पेट्स के? नहीं है। अम्मी नहीं रखने देती ना पेट्स? काओ तो बड़ा जबरदस्त पेट है। हाँ, काओ, बेफेलो और पहले हैंस भी है और पहले गोट्स भी थे, लेकिन अब उसको हम लोगों ने। ये तो बहुत प्यारे जानवर हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताओ आप तीनों में से सबसे ज्यादा शरारती कौन है? मुझे वैसे नजर आ रहा है, देख रही हूँ मैं ये। इसके ऊपर ही इशारा है, ये थोड़ी सी शरारत करता है बस। हम तो अबू बकर, मुझे लगता है यार आप ही एक सीधे बंदे हो इन सब में से। ये दोनों तो मुझे बहुत शरारती लग रहे हैं। मैं शरारती लग रहे हो वैसे मुझे? नहीं, ऐसी शक्ल पे मुस्कुराहट जो आ रही है ना, मुझे लगता है कि बताओ। ये तो पहले था जब छोटा था, अब तो थोड़ा सा सही जवान हो गया है ना, बड़ा हो गया है। घर पे छोटा है। इन दोनों में से घर पे डांट किसको पड़ती है? तीनों को पड़ती है। वो भी कभी शरारत और इस पे। अच्छा तो ये बताओ, अब इतने सालों से आप रमज़ान सेट पे आ रहे हो माशाल्लाह से, जब आना होता है तो कितनी एक्साइटमेंट होती है कि हमने जाना है और एक महीना कराची में रहना है और नए दोस्त बनते हैं। जी इस दफ़ा शिराज नया दोस्त बना। वसीम भाई से कोई दोस्ती हुई है कि नहीं? जी वो तो पहले से है। पहले से है जी। तो उनके साथ गपशप लगती है और मज़ा आता है सेट पे और सारा कुछ। तो सेट पे सबसे ज़्यादा मज़ा क्या करने में आता है, गपशप में या जानवरों के साथ खेलने में या वसीम भाई के साथ गपशप? एक दूसरे से कुछ सुनने में। हाँ एक दूसरे से कुछ सुनने में बातचीत करने में सब में मज़ा आता है बस। और मुझे एक बात पता चली है बड़ी अच्छी, मैंने सुना है कि आप दोनों माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ कर रहे हो। जी वो मैं कर रहा हूँ, ये इसने भी एक सफार किया लेकिन हिफ्ज़ मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हो माशाल्लाह से, तो ये तो बहुत फ़ख्र की बात है। बस वो अम्मी अबू को तो उन्होंने बोला था कि हिफ्ज़ करें तो मैं अब हिफ्ज़ कर रहा हूँ। तो अम्मी अबू की तो बहुत फ़ख्र की बात है ना कि आप हिफ्ज़ कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताओ कि आपका क्या दिल चाहता है कि बड़े हो के आपने क्या करना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है जी। तो उसके लिए क्या तैयारी? उनके लिए पढ़ना और लिखना जी, ये जरूरी है जी। चलो जी, अबू बकर ने तो डॉक्टर बनना है, आपने डॉक्टर, दो डॉक्टर, वो भी डॉक्टर और ये साहब आप सर बताएं। इसके बदलते रहते, कभी पुलिस, कभी पायलट, कभी डॉक्टर, कभी ये इसके बदलते रहते सब कुछ। फायर ब्रिगेड। अच्छा आप जरा उससे भी मुश्किल सवाल पूछती हूँ, अगर डॉक्टर बनना है तो जिस्म की किस चीज़ का डॉक्टर बनना है? मुझे तो दिमाग का बनना है। दिमाग का डॉक्टर बनना है। न्यूरो सर्जन। किडनी। कुछ भी बता दो। पूरी बॉडी का डॉक्टर। वेरी गुड वेरी गुड। यस सरका। आपने देखा गाइस, these kids are a barrel full of laughs। और अभी ये जो छोटा वाला है ना, ये बहुत शरारती है, इसकी तो चेहरे पे शरारत है। एक और हमारा मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम उसको भी बुला लें। जी बुलाएं जी, शिराज को बुलाएं जी। अब हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं शिराज। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? शिराज आपको मैंने देखा सेट पे बड़े छलांगे मारते हुए और जानवरों के साथ मज़े करते हुए, मज़ा तो आ रहा होगा सेट पे। हाँ बहुत मज़ा। और नए नए दोस्त बने हैं, है ना? दोस्त तो ये है। मुझे ये बताओ शिराज के समुंदर कैसा लगा कराची का? समुंदर अच्छा नहीं लगा। क्यों? पानी थोड़ा थोड़ा था। साफ था या गंदा था? साफ था। साफ था? गंदा था। गंदा। ये कराची की निज़ाम के लिए ये पैगाम है कि शिराज आया है पहाड़ों से, इतनी खूबसूरत जगह से आप आए हो, है ना जी? और वहाँ पे पहाड़ और नदियाँ और वहाँ पे जो चश्मे बहते हैं, वो तो आपका घर तो बहुत खूबसूरत जगह पे है जी, है ना? तो सबसे अच्छी चीज़ घर की क्या लगती है गिलगित की? सबसे अच्छी चीज़ तो पहाड़ लगते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कराची की क्या लगती है? कराची के तो पार्क। वाह। और ये जो आपके तीन दोस्त साथ बैठे हैं, इनमें से ये बताओ कि सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ हुई है? उमर के साथ जी। मैंने तो सुना है उमर बहुत शरारती है। उमर तो छोड़े नहीं, शरारत कर जाता। सबसे ज्यादा आप ये बताओ शिराज कि आपके घर में पेट्स हैं, कोई एनिमल्स हैं घर पे? एनिमल्स है। कौन से? मुर्गी। मुर्गियाँ चोंच मारती है कि नहीं मारती? मुर्गा। अच्छा ये बताओ कि जब रोज़ा खुलता है तो सबसे पहले क्या खाने को दिल चाहता है? मैं तो रोज़ा नहीं रखता। ओहो। चलो अफ्तारी तो करते होगे ना, फिर भी रोज़ा बंदा ना भी रखे तो अफ्तारी तो करता है ना? तो अफ्तारी में सबसे फेवरेट क्या लगता है? सबसे फेवरेट